अस्सलाम वालेकुम, आई एम अकबर अंदावा। इन लास्ट लेक्चर ऑफ कम्युनिटी न्यूट्रिशन आई डिस्कस अबाउट द एनिमल राइट्स एंड द वेलफेयर इन इस्लाम, इन विच आई डिस्कस अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एनिमल बिलोंग टू द किंगडम एनिमलिया विच ओरिजिनेटेड ऑन दिस अर्थ बिफोर द मैनकाइंड द ह्यूमन हैव बीन यूजिंग देम फॉर देयर मल्टीपल पर्पस एंड द नीड एंड द एनिमल्स are deprived of their basic rights before Islam, but after the origination of the Islam, which led on the complete code of their welfare of the animal, के इस्लाम ने एनिमल की वेलफेयर के लिए एक प्रॉपर कोड दिए, ठीक है। फिर उसको ग्लोबली यूरोप यूनियन में और उसका क्या क्या सिनेरियो था ये मैंने बताया, और कौन कौन सी कौंसिल हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। देन अब मैंने डिस्कस किया इस्लाम और जो एनिमल वेलफेयर है उसका क्या लिंक है, ठीक है। देन मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द इस्लाम द अदर लिविंग क्रिएशन इंक्लूड द ह्यूमन द एनिमल द बर्ड द इंसेक्ट आर वर्थली फॉर द रिस्पेक्ट एंड द काइंडनेस। के इस्लाम में चिंद परिंद जानवर, ठीक है, ये सब जो हैं ये काबिल एहतराम है, ठीक है। इनका जो फंडामेंटली एनिमल हैव बीन क्रिएटेड टू फुलफिल द मल्टीपल नीड्स ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। तो इसमें मैंने डिस्कस किया कि इस्लाम में इसका ये इस्लाम में इसकी ये लिमिटेशन इन पे एनिमल वेलफेयर के लिए, ये राइट्स हैं एनिमल के। उसके अलावा इनकी कैपेबिलिटी ऑफ फोर्सी को मैंने बताया कि इनकी जो दून देशी होती है, जिन्होंने वसल्लम ने जिसके बारे में बताया था कि जब कोई गधा गधा जो है वो बो रहा हो, ठीक है, या कोई कुत्ता भौंक रहा हो, तो वो इंडिकेशन होता है कि कुछ यहाँ पे कोई नेचर डिजास्टर होने वाला है, कोई फ्लड आने वाला है, ठीक है। तो देन मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू होली कुरान एनिमल को किस तरह ट्रीट किया गया है। तो फिर मैंने उसका आपको बताया था कि छः सूरतें कुरान पाक में, सूरत बकरा है, सूरत नाम है, सूरत नहल है, उसके अलावा सूरत अल अनकबत है, ठीक है, जो कि स्पाइडर के बारे में, सूरत फील है जो कि हाथी के बारे में, जानवरों के बारे में, ये कुछ सूरतें थी, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बताना है कि एनिमल वेलफेयर इन सुन्नत, क्या कि सुन्नत में कुरान पाक में सुन्नत के लिहाज से हम इधर मुस्लिम इस्लाम ने क्या क्या कोड हैं जो कि कन्फर्म किए हैं एनिमल्स के राइट के लिए, एनिमल्स वेलफेयर इन आ सुन्ना। देर आर द नुमेरियस हदीस ऑन द ह्यूमन हैंडलिंग ऑफ द एनिमल, के एनिमल को हैंडलिंग करना है, उसको सारा जो स्लाटरिंग करना, उसको पीस को कट करना, ठीक है, वो सारा हैंडलिंग में आता है, ठीक है। जिस तरह फूड हैंडलिंग होता है कि फार्म टू प्लेट, वैसे एनिमल हैंडलिंग क्या है कि उसको खाना आप किस तरह दे रहे हो, उसको आप स्लाटर किस तरह कर रहे हो, उसको कैरी किस तरह कर रहे हो, वो सारा एनिमल हैंडलिंग आएगा, ठीक है। इसके बारे में बहुत हदीस हैं कुरान पाक में, द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम अर्ड द मुस्लिम टू एक्सप्रेस द काइंडनेस टुवार्ड द एनिमल एंड द बर्ड एंड प्रोहिबिटेड क्रूली बिहेवियर टुवार्ड देम। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को हुक्म दिया कि जानवरों के साथ, परिंदों के साथ एक शफकत से पेश आओ, ठीक है, उनके ऊपर किसी किस्म का जुल्म ना करो। डिफरेंट किस्म की हदीस हैं जो कि इसमें कोट्स की गई हैं। अब बिफोर द अराइवल ऑफ द होली प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम एनिमल वार ट्रीटेड क्रूली एंड टाइज एज ऑन शूटिंग टारगेट, ठीक है, उनको शूटिंग टारगेट के तौर पर यूज़ किया जाता था, उनको बहुत जालमाना वैसे उनको ट्रीट किया जाता था। इस्लाम के बाद ये सब चीज़ें चेंज हुई, इस्लाम ने कंप्लीट कोड दिया ना कि इंसानों को जिंदगी गुजारने का, कि जितने भी चरिंद परिंद जितने भी जानदार हैं उन सबके लिए द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोहिबिटेड द टेकिंग ऑल लिविंग थिंग्स एज अ शूटिंग टारगेट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया, प्रोहिबिट किया है कि कोई भी लिविंग जो एनिमल्स हैं उसे आप शूटिंग नहीं कर सकते। उसके अलावा कंपैशन क्या है कि कंपैशन मतलब शफकत, ठीक है। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सेंट ऑन द अर्थ एज एन कंपैशनर एज अ मर्सरी, उसे एक हमदर्दी, वो एक उन जैसा हमदर्द कोई नहीं था, उन जैसी शफकत किसी में नहीं थी। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा एज अ सोर्स ऑफ जो कंपैशन के, शफकत के तौर पे, रहमदिली के लिए, ठीक है। और
देन ही फॉरबेड द पीपल, द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरबेड द पीपल फ्रॉम द हंटरिंग आर द टॉर्चरिंग द एनिमल। अल्लाह नबी सल्लम ने मना किया कि आप टॉर्चर नहीं कर सकते एनिमल का। द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज प्रोहिबिटेड द पीपल फ्रॉम आर ड्रैगिंग मल्टी म्यूटिलेटिंग आर मेकिंग देम आ फाइट एंड विद ईच अदर। के अल्लाह ताला ने उनको जानों को घसीटना, उन पे जुल्म करना, ठीक, उन पे जबर करना, उनसे मना फरमाया, ठीक, और उसका आपस में किसी भी किस्म के जो जानवरों के आपस में मुकाबले होते हैं उससे भी मना किया हुआ है, ठीक है, तो उनकी आपस में फाइट से। देन बेस्ट फ्रॉम द कैजिंग ऑफ द बर्ड के इवन के जो जानवर परिंदों को कैच करते हैं, ठीक, उसके अलावा जो हैजर्डस एनिमल्स हैं उनको किलिंग तक, ठीक है, उनको उसके अलावा जो टाइनी क्रिएशन है, जितनी भी छोटी चुंटियां हैं, ठीक है, और छोटे परिंदे हैं, ठीक है, उन तक अल्लाह ताला ने कोड सेट किए हुए हैं, ठीक है। नरेटेड फ्रॉम अबू रहमान इब्ने उसामा उस्मान के अकॉर्डिंग टू द अब्दुल रहमान इब्ने उस्मान अकॉर्डिंग टू डेट व्हेन अ फिजिशियन अ कंसल्टेंट द प्रेफर्ड अबाउट द पुटिंग द फ्रॉग इज इन मेडिसन ही फॉरबेड हिम टू किल देम, ठीक है, आज के जब भी उनसे पूछा जाता था कि इनको एज अ सोर्स ऑफ इन्हें मेडिसन में यूज कर लें तो वो हमेशा मना फरमाते थे, ठीक है, कि नबी सल्लम ने इसे फॉरबेड किया गया। नरेटेड अब्दुल इब्ने अब्बास के अब्दुल इब्ने अब्बास के बयान के मुताबिक ये है कि द प्रॉफ़िट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन द किलिंग ऑफ द फोर क्रिएचर्स, उनमें आंट्स आ जाती हैं, बीज हैं, हुपस हैं, उसके अलावा स्पैरोज हैं, ठीक है, कि वो चूंटियाँ होती हैं जो, उसके अलावा मक्खी बीज और मक्खियाँ होती हैं जो हुदूद है या चिड़िया उनका शिकार नहीं कर सकते, ठीक है। द मॉडर्न हलाल इंडस्ट्रीज आल्सो एम्फिसाइज दैट द एनिमल द बर्ड आर शुड बी ट्रीटेड ह्यूमनली, ठीक है, जितने भी मॉडर्नाइजेशन में हलाल फूड की ऑर्गेनाइजेशन बनी है, ठीक है, जितने भी एनिमल वेलफेयर की सोसाइटीज बनी हैं तो उन्होंने वो एम्फिसाइज करती हैं, वो जोर देती हैं कि एनिमल को एक अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सके, उनको एक ह्यूमनली वैसे ट्रीट किया जा सके, विच प्रोवाइडेड विद द प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर हैंडलिंग, प्रॉपर हेल्थ केयर, उनको प्रॉपर फूड दिया जाए, उनको प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, उनको प्रॉपर फूड, उसके अलावा उनकी प्रॉपर हैंडलिंग की जाए, उसके प्रॉपर केयर दी जाए, दे शुड बी फीड एंड आ प्रोवाइड विद आ वाटर ड्यूरिंग आ लॉन्ग जर्नी, ठीक है, अगर वो लॉन्ग जर्नी का सफ़र है तो फिर उनको प्रॉपर वाटर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। उसके अलावा यूरोपियन कमीशन के हिसाब से क्या था कि अकॉर्डिंग जो यूरोपियन कमीशन हैज़ बीन प्रमोटिंग द एनिमल वेलफेयर फॉर ओवर द 14 ईयर, के 40 साल से जो यूरोपियन नेशन है, यूरोपियन कमीशन है, वो फोर्स कर रहा है, प्रमोट कर रहा है एनिमल वेलफेयर को, लास्ट 40 ईयर से ग्रेजुअली इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ आ फार्म एनिमल, ठीक है, एनिमल फार्म की लाइफ बेटर हो रही है, ठीक है, इन 1998 द काउंसिल डेरिवेटिव डायरेक्टिव, उसमें कोड था 98/58 इसी गिव आ जनरल रूल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल, ठीक है, इसके हिसाब से डायरेक्टिव इस ये काउंसिल डायरेक्टिव हुई थी जिन्होंने ये रूल पास किया था कि एनिमल को जो है उनकी जनरल प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या रूल होने चाहिए, ठीक है। देन देयर फ्लैक्स द फॉर द प्रोटेक्शन देयर रिफ्लेक्ट दैट सो कॉल्ड एस फ्रीडम, उसमें एस फ्रीडम में क्या क्या आता है, ठीक है, फाइव फ्रीडम है इसमें, फाइव फ्रीडम में क्या क्या आते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम द हंगर एंड थर्स्ट, के एक जानवरों को उनकी भूख और प्यास से फ्री किया जाए, उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जिसके अंदर उनकी थर्स्ट और उसकी हंगर पूरी हो सके, ठीक है, उसके अलावा उनको प्रॉपर एक कंफर्ट जोन दिया जाए, अब फ्रीडम फ्रॉम आ डिस्कम्फर्ट, उनके डिस्कम्फर्ट का ख्याल रखा जाए, उनको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, उसका फ्रीडम फ्रॉम द पेन इंजरी एंड डिजीज,
उसको कोई डिजीज होती है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट का सिस्टम होना चाहिए, कोई इंजरी होती है उसका प्रॉपर क्योरेबल सिस्टम होना चाहिए, कोई पेन होती है उसको किस तरह जो डीबीएम वाले मैनेज करते हैं थ्रू उसकी मेडिसिन किस तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन आ फ्रीडम फ्रॉम द एक्सप्रेस द नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है। देन आ फ्रीडम फ्रॉम द फियर एंड डिस्ट्रेस, उसको नॉर्मल बिहेवियर किस तरह शो कर सकते हैं, उसके अलावा उनको जितने भी किसी भी किस्म के डिस्ट्रेस से जोर जबर से फ्री किया जाएगा, ठीक है। रिवार्ड एंड द पनिशमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल, इस्लाम हैज आ सरप्राइज द वर्ल्ड, के इस्लाम ने पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज कर दिया कि उन्होंने एक टाइनी लेवल पे भी एक लॉ ऑफ कंडक्ट बनाया, इस्लाम हैज सरप्राइज द वर्ल्ड बाय क्वालिफाइंग अ पर्सन टू अ हेवन फॉर बींग द काइंड टू द एनिमल एंड हेल फॉर इल ट्रीटमेंट, अगर कोई इंसान जानवरों के साथ परिंदों के साथ एक क्रूरली एक जाबराना बिहेवियर रखता है तो ठीक है उनको ट्रीट करता है तो उसकी बेस पे वो दोजख पे जा सकते हैं, अगर वो उन्हें थ्रू आ कंपैशनली डील करता है एनिमल्स को जानवरों को परिंदे को तो वो जन्नत में जा सकता है, ठीक है। और जैसा कि आपने सुना होगा कि जो एक वेश्या औरत थी जिसने एक बिल्ली के बच्चे को इस तरह पानी पिला दिया था, तो उसको इसी की वजह से उसको जन्नत में भेज दिया गया, ठीक है। ऐसी आ वुमेन आ वाज पनिश्ड हर कैट आ बाय इम्प्रिजनिंग इट अंटिल इट डाई, के एक औरत ने क्या किया कि उसने एक बिल्ली को पनिशमेंट के तौर पे उसे कैद कर लिया, को वो उसी भूख से मर गई, ठीक है। उसको उसी एक्ट की वजह से उसको दोजख में भेज दिया गया, ठीक है। इस तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एनिमल के साथ काइंडनेस से पहचाना है। इवन इस्लाम प्रोवाइड द कोड फॉर द एनिमल द इन काइंडनेस ऑफ द एनिमल ड्यूरिंग स्लॉटरिंग, के इवन के इस्लाम ने कहा है कि उनको जब आप स्लॉटर कर रहे हो जब उनके पीसीस कर रहे हो तब भी उसमें कुछ रूल्स हैं, ठीक है। देन इस्लाम परमिट्स द कंजप्शन ऑफ द मीट ऑफ द हलाल एनिमल ओनली, के एक तो इस्लाम ने कहा है कि आप सिर्फ हलाल एनिमल का मीट कर सकते हैं खा सकते हैं, ठीक है। नॉट ओनली ऑफ हलाल एनिमल्स कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट द प्रॉपर स्लॉटरिंग एंड आर डायरेक्टेड बाय द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के आप जो हलाल एनिमल भी हैं उनको आप स्लॉटर भी हलाल वैसे करना है जो कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग। फॉलोइंग द हदीस प्रोक्लेम द प्रोटोकॉल ऑफ द स्लॉटर, स्लॉटरिंग के कुछ प्रोक्लेम्स हैं, ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिसको फॉलो करके हम एक हलाल मोड ऑफ स्लॉटरिंग अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन इट इज़ द डायरेक्टी डेट मैसेंजर ऑफ द अल्लाह फार बैट द डेवल सेक्रीफाइज, ठीक है। के अल्लाह ताला ने के नबी सल्लम ने कहा है कि जो एनिमल्स हैं उसको जाबराना उसको डेवली उसे आप जानवरों को सेक्रीफाइज नहीं कर सकते। दिस रेफर टू एज द स्किनिंग ऑफ द स्लॉटर्ड एनिमल, के उसकी स्किनिंग किस तरह करनी है, ठीक है। उसके अलावा उसको जब कट करना है उसकी प्रॉपर जगुलर वेन पे कट करना है, ठीक है। एंड वेन इज नॉट प्रॉपरली सर्व्ड एंड द एनिमल डाई विदाउट द प्रॉपर ब्लीडिंग, ठीक है। अगर एनिमल है उसका प्रॉपर ब्लीडिंग से किल हो गया है, ठीक है, उसकी प्रॉपर ब्लीडिंग नहीं हुई उससे किल हो गया है, ठीक है, वो प्रॉपर उसमें कट नहीं लगा उसकी जगुलर वेन पे, तो उसको ये कि इस्लाम में कि इसको एक प्रॉपर वैसे इसको कट करना है। देन मेमोरेबल पॉइंट्स ड्यूरिंग द स्लॉटरिंग, स्लॉटरिंग के दौरान कौन कौन से मेमोरेबल पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये कि ड्यूरिंग स्लॉटरिंग द नाइफ मस्ट बी शार्प, ठीक है, जो जो चाकू है जो नाइफ है, ठीक है, एक है वो कि शार्प होनी चाहिए, कि नाइफ मस्ट बी शार्प, ठीक है, कि एक जो चाकू है वो शार्प होना चाहिए। सेकंड क्या है कि होल्डिंग एरियाज ऑफ द कैटल शुड बी प्रोवाइडेड विद द वाटर एंड शेल बी दे शुड बी नोस्ट एंड वेल रेस्टेड, के जो जगह है जहाँ पे उसको जानवरों को स्लाटर किया जा रहा है कि वो प्रॉपरली उस पर, ठीक है, वाटर
फॉल किया हुआ हो, ठीक है, वो एनिमल है, उसको प्रॉपर उसने डाइट ली हो और उसकी प्रॉपर रेस्ट पूरी हुई हो, ठीक है, अदरवाइज इसे आप स्लाटर नहीं कर सकते। देन साइज ऑफ द नाइफ शुड बी प्रपोर्शनेट टू द नाइफ साइज, के जो चाकू का साइज है, छुरी का साइज है, वो एक प्रॉपर जो वन हैंड साइज नाइफ होता है उसके उसके इक्वल होना चाहिए। देन नाइफ शुड नॉट बी शार्प इन फ्रंट ऑफ द एनिमल, के जानवरों के सामने वो जो चाकू शुरू जो भी होगा उसको शार्प नहीं करना, ठीक है, और एक एनिमल के सामने दूसरा एनिमल को जिबा नहीं करना। वन एनिमल शुड नॉट बी स्लॉटर इन फ्रंट ऑफ द अदर, ठीक है। देन कटिंग अ पार्ट फ्रॉम अ लाइव एनिमल, के जो लाइव एनिमल थे उनको कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, पहले अरब जो थे, जाहल अरब जो थे, ठीक है, वो करते थे ये। तो देन कटिंग अपार्ट फ्रॉम द एनिमल, के जिंदा जानवर है उसका कोई हिस्सा काट लेते थे, ठीक है, तो वो नहीं कर सकते। कटिंग अपार्ट फ्रॉम द एनिमल ऑफ अ लिविंग एनिमल वाज अ क्रूअल प्रैक्टिस, एक क्रूअल प्रैक्टिस है इन द कस्टम ऑफ द अरब्स, दे यूज द सच ऑर्गन फॉर कंजप्शन, ठीक है, वो इसे कंजप्शन के लिए यूज करते थे। द होली प्रोफेट स्ट्रिक्टली बैंड द इल ट्रीटमेंट एंड एज अ एविडेंस फ्रॉम द फॉलोइंग हदीस, के नबी सल्लम ने कहा है कि आप इस तरह का कोई भी जो है अन इल जो ट्रीटमेंट है एनिमल्स के साथ वो स्ट्रिक्टली बैंड है, वो आप नहीं फॉलो कर सकते। द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कष्ट कष्ट उस पर जोर देना है, ठीक है, कि द कष्ट के गुस्सा किया उससे लान के उनको लानत भेजी उन पे कि जो ये काम करेंगे ना। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कष्ट द पर्सन हु डिड द मतला टू एन एनिमल, के जो जानवरों के साथ ऐसा करेगा, ठीक है, उनके साथ वो एक गुस्सा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो उनको इल ट्रीटमेंट करते हैं जानवरों के साथ। द प्रॉफेट कैम टू अल मदीना, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए एंड सा दे देयर प्रैक्टिस दैट दे कट द हम्प्स ऑफ द कैम्प, को जो एन जो ऊँट की कोहान होती है ना, जो टॉप वाला हिस्सा होता है उसको वो कट करके पकाते थे, ठीक है, और जो रम्स फ्रॉम द शीप, रम्स फ्रॉम द शीप है कि जो शीप की पीठ का आखिरी हिस्सा होता है उसे कट करके पकाते थे, ठीक है। द वेन द प्रोफेट मोहम्मद सल्लम केम टू मदीना दे एंड दिसा दिसा देयर प्रैक्टिस डेट दे कट द हैम फ्रॉम कैमल एंड द रम्स फ्रॉम शीप, ही सेड वट एवर इट्स कट फ्रॉम द एनिमल वाइल इट इज अलाइव एंड इट इज देन इट इज डेड इज द हराम इन इस्लाम, ठीक है, कि इस तरह का कोई भी किस्म का जो इल ट्रीटमेंट है वो हलाल कंसिडर नहीं किया गया। देन द स्लॉटरिंग ऑफ द लैक्टेटिंग एनिमल, के जो लैक्टेटिंग एनिमल है, जो दूध देने वाले जानवर, उससे आपके स्लॉटर करने के लिए क्या हुक्म। द वंस द प्रोफेट मोहम्मद सल्लम कम टू नियर अ मैन फ्रॉम अमंग द अंसार हु हैड पिक्ड अप अ नाइफ टू स्लॉटर एन एनिमल फॉर द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना है तो उन्होंने देखा कि एक शख्स था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक जानवर को ज़िबह कर रहा था, लेकिन वो लैक्टेटिंग पे था, ठीक है, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मना कर दिया। द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिम दोज एनिमल डेट आर लैक्टेटिंग आर शुड बी अवॉइडेड, के मना किया कि आप इस जानवर को नहीं कर सकते। देन कंक्लूजन इन होल कंक्लूजन द फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट कैन बी जज्ड दैट द इस्लाम इज द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ द मर्सी पीस एंड द कंपैशन, के इस्लाम एक रहम का, एक हमदर्दी का, एक शफकत का एक रीजन है। इट इज नॉट ओनली टेक अ केयर ऑफ द मैनकाइंड बट आल्सो अ फॉर एनिमल्स फॉर द एनिमल एंड द मैनकाइंड। बिफोर द इस्लाम देर वॉज आ डार्कनेस एवरीवेयर, के हर तरफ जहालत थी, ठीक है, एनिमल को बहुत इल ट्रीट किया जाता है, एनिमल ट्रीटेड वायरी क्रूली। द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्रीज दैट दे शुड बी ट्रीटेड इन अ गुड मैनर एज दे आर अ पार्ट एंड अ पार्सल ऑफ दिस ह्यूमन सोसाइटी, हैंस दे शुड बी ट्रीटेड विद ह्यूमैनली इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दियर लाइफ, ठीक है, कि नबी सल्लम ने प्रीच किया, ठीक है, कि
कि आप ये एनिमल जो है वो भी एक मास्टर के हिस्से हैं, इसे भी आपने एक ह्यूमेनली ट्रीट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।